हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आप सब लोग सोचते होंगे कि इतने टाइम से मेरा ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा था। एक्चुअली इतने टाइम से इसलिए नहीं आ रहा था, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी और मुझे टाइफाइड वगैरह हो गया था, एडमिट वगैरह भी था, तो मैंने वो सब वीडियोज़ वगैरह नहीं डाला और शॉर्ट्स वीडियो भी ज़्यादा नहीं आ रहा था। तो अभी से मेरी रेगुलर वीडियो आएगी, प्यार और सपोर्ट ज़्यादा करना, क्योंकि वीडियोज़ नहीं था तो व्यूज़ वगैरह सब डाउन हो चुका है। और बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे कमेंट कर रहे थे, आप वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हो। गाइज़, अभी फटाफट से हम लोग फिर से रेगुलर एक्टिव हो जाएंगे तो बराबर से टाइम टू टाइम वीडियो जाएगा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए। तो आज का दिन है गणेश चतुर्थी, तो आप सभी को हमारे तरफ से हैप्पी गणेश चतुर्थी। बहुत सारे लोग अपने घर पे गणेश जी को लाएंगे तो और हाँ हाँ, आपको थंबनेल और टाइटल देख के पता चल गया होगा आज मैं कहाँ जाने वाला हूँ। तो जिसको नहीं पता है, तो जिसने चिटिंग नहीं किया रहेगा, स्किप करके नहीं देखा रहेगा, तो उसे नहीं पता रहेगा, तो मैं उसे बता देता हूँ। मैं जाने वाला हूँ पवन भाई के घर पे, एक्चुअली उनके घर पे जाऊंगा, फिर उसके बाद वो जहाँ रहते थे ना पहले चौल में, तो वहाँ हम लोग जाने वाले, तो देखते हैं कितना मजा आने वाला है, क्या है। मुझे लग रहा है कि बहुत मजा आने वाला है। और मुझे तो मेरा फेवरेट मुझे मोदक खाना है, मोदक मिलेगा कि नहीं मिलेगा देखते हैं। तो गाइज, अभी हमारा पूजा वगैरह हो चुका है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं नाश्ता करने इटली और चटनी। बहुत दिन बाद में इतना जल्दी उठ रहा हूँ और इतना जल्दी ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ। साउथ इंडियन हेल्दी है ना? हेल्दी है भाई, जल्दी जल्दी खाते हैं और जल्दी जल्दी निकलना है हम लोग को, चलो। ऐसे तो गाइज, इधर का क्लाइमेट कुछ ऐसा है आज, इतना अभी जल्दी उठेंगे, मतलब काफ़ी समय के बाद मैं इतना जल्दी उठ रहा हूँ और थोड़ा धूप भी लग रहा है एक्चुअली, क्योंकि मैं सुबह सोता हूँ, जैसे आप लोग को पता है, बहुत लोग को पता है जो मैं इंस्टाग्राम पर फॉलो करता हूँ उसे ज़्यादा ही पता होगा। मैं सुबह 5 बजे सोया और अभी बज रहा है कुछ 9:30, काफ़ी लेट हो चुका है। और हमारी कार रेडी है, तो पवन भाई अपना कार लाने गए, ये देखो, और रश्मि जी के पापा है। पवन भाई, कितने दिनों के बाद जा रहे हो? अगर देखा जाए तो 1.5 साल बाद। 1.5 साल बाद? हाँ, मैं 1.5 साल बाद जा रहा हूँ। वैसे हमने हमारा पूरा बचपन वहीं पे बिताया, पूरा टाइम हमने वहीं पे बिताया अपना, तो मतलब समझो अपने जीवन का 22 साल या 23 साल हमने वहीं पे बिताया। तो अभी ये देखो, मैं दरवाजा बंद ही नहीं किया था और गाड़ी चला रहा हूँ। तो बड़े बड़े देशों में से छोटी मोटी बातें होते रहती है। अभी चलते फटाफट। मजाक और भगवान की जो श्रद्धा होती है, आज लोगों के अंदर इतना जोश और उत्साह होता है, तो आज का दिन तो भाई आज मजा आएगा। तुम लोग व्लॉग देखो, सिर्फ मजा आएगा। अमित का व्लॉग तो पूरा ही देखो भाई, मेरे व्लॉग में तो मजा आएगा पर अमित के व्लॉग में तो और मजा आएगा, क्योंकि अमित इज बॉस। तो गाइज, हम लोग अभी विट्ठलवाड़ी पहुंच गए। कौन भाई, आप इधर कितने दिनों बाद आ रहे हैं यहाँ पे? भाई मैं आ रहा हूँ यहाँ पे करीबन 1.5 साल बाद। 1.5 साल बाद सब वैसी चीजें हैं, जगह वैसा है, काफी अच्छा लग रहा है। जहाँ रहते हैं ज्यादा क्राउड अभी इस समय ज्यादा हो चुका है, गाड़ियाँ ज्यादा हो चुकी है, पहले ये सब जगह खाली रहती थी, बट अभी और आज त्योहार भी है ना, तो इस वजह से शायद भरा भरा भी लग रहा हूँ। दो चौल के दोस्त आने वाले, उनको लेके हम लोग जहाँ से गणपति बुक किया है वहाँ से गणपति लेंगे, वो भी आप। पर ऐसे काफी टाइम आने के बाद कैसा, जहाँ पहले रहते थे कितना अच्छा लगता है ना, मतलब हाँ, कुछ मतलब पूरी यादें ताजा हो जाती है, ताजा हो जाती। पवन भाई का घर यही साइड है ना? पवन भाई इधर से अंदर जा के राइट, तो चलो ना अंदर चलते, अंदर दिखाएंगे ना, अंदर जाएंगे ना, गणपति ले ले फिर अंदर जाएंगे, नाश्ते जाएंगे। हम लोग ने पहले डिसाइड किया था कि घर के इधर जाएंगे, तो फिर इन्होंने अपने फ्रेंड को कॉल किया तो बोले कि हम लोग बाहर खड़े जाते, डायरेक्ट गणपति लेने जाते, फिर आते यहाँ पे, आपको सब बताएंगे डिटेल, तो वीडियो में बने रहना। तो गाइस, हम लोग यहाँ पे पहुँच गए, जहाँ से हमको मूर्ति लेना है वो यहाँ से काफी दूर है, तो वहाँ पे क्या हुआ है कि वहाँ पे पार्किंग वगैरह मिलेगा नहीं,
तो इसलिए अभी हम लोग डिसाइड किया कि गाड़ी यहाँ पे पार्क करके और यहाँ से चल के जाएंगे, तो थोड़ा चाय वगैरह भी पीते। मेरा सर बहुत पेन हो रहा है। क्यों पेन हो रहा है? क्योंकि मैं डायरेक्टली उठ के नाश्ता वगैरह करके चाय नहीं पिया। एक्चुअली मेरे को चाय का एकदम वो हो गया, चर्सी हो गया। फाइनली मुझे चाय की शॉप मिल गई है, तो मैं थोड़ा चाय पीता हूँ, बहुत फ्रेश होगा और आपको आगे का बताता हूँ। तो गाइज हमको यहाँ से मूर्ति लेना है, यहाँ से राइट साइड से। गाइस हम लोग ने मूर्ति ले लिया है अभी फटाफट से, जैसे आपने देखा कि हम लोग ने मूर्ति ले लिया है। अभी जा रहे हैं अपने कार के पास और डायरेक्टली जाएंगे। अभी कहाँ जाएंगे पवन भाई? अभी हम लोग जाएंगे डायरेक्ट हमारे स्टॉल की आगे करेंगे। और काफी टाइम बाद ऐसे रोड पे ब्लॉग बना रहे, कैसा लग रहा है? हाँ, मैं तो वैसे बनाता नहीं, अमित है तो फिर बना लेता हूँ, वरना मेरे सिर्फ आप लोग घर के ही ब्लॉग देखते रहोगे जिसमें मेरे को गाली भी देते हैं, सिर्फ घर का ही ब्लॉग दिखाता है। तो आज बाहर निकला हूँ तो बाहर का दिखा रहा हूँ। ठीक है ठीक है, चलो अमित का, अमित कुछ पर्सनल बात करेगा। तो गाइस मैं आप लोग को बताता हूँ, एक्चुअली ब्लॉग बनाते बनाते ना मैं इधर उधर ध्यान जाता है ना, तो क्या बोलना है वही भूल जाता हूँ। तो मैंने ब्लॉग वगैरह इतना काफ़ी टाइम हो जाता है और बीच बीच में गैप हो जाता है ना, तो कंफ्यूज हो जाता हूँ क्या बोलना चाहिए क्या क्या नहीं। एक एल्गोरिदम सेट रहता है ना, मतलब कि कल भी बनाना है परसों भी बनाना है तो क्या बोलना है, तो एक माइंड डिसाइड रहता है कि ऐसा ऐसा बोलना रहता है। तो चलो हमारी कार इधर हमने पार्क किया था, अब जाते हैं फटाफट से एरिया में और देखते हैं। तो गाइज इतना बाहर इतना गर्मी हो रहा था, अभी हम लोग बैठे, थोड़ा एसी चालू किया तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। और अभी हम लोग ने ना गुस्से में ना सनी को ना फ़ोन ही नहीं किए थे। सनी को ने आप लोग को तो पता ही होगा, जिसको भी पता रहेगा कमेंट ज़रूर करना, जो मैच में गिर गया था, गया था। हाँ, वो वाले ब्लॉग को इतना प्यार और सपोर्ट मिला है ना वो सनी भाई की वजह से। वो इतना सपोर्ट मिला है कि वो 80 मिलियन तक छू चुका है वो। तो वो इसी तरीके से इसको भी उतना ही सपोर्ट दीजिए ताकि हाँ। ये भी 1-2 करोड़ तक जाए। हाँ, उस व्यक्ति को हम लोग मिलने जाए। वो बहुत आलसी व्यक्ति है। यस यस, वो समझो अभी 12 बजे सो के उठा है। आज इतना अच्छा त्योहार का दिन है, त्योहार के दिन में वो 12 बजे सो के उठा है, तो मुझे लगता है उसको जाके हमें लतियाना चाहिए। क्या करना चाहिए कमेंट में जरूर बताना। लतियाना चाहिए, जाके हम थोड़ा लतियाएंगे भी उसको। चलो वो भी आपको देखने मिलेगा। तो गाइस हम लोग यहाँ पे एरिया में पहुँच चुके हैं। अभी हम लोग मतलब धार साइड है, एक्चुअली टेम्पो वो साइड से आ रही है, तो हम लोग को क्या बोलता हूँ, अरे कहना क्या चाहते हो, एक्चुअली टेम्पो वो साइड से आ रही है, तो हम लोग को उधर जाना है और उधर से हम लोग शायद घूमते हुए ढोल वाज ढोल नगाड़ा ऐसे बजेगा, तो उधर से जाते जाते हम लोग जाएंगे ऐसा घूमते हुए। तो चलो देखते हैं, वीडियो में बने रहना और मज़ा आने वाला है। देखो हम लोग टेम्पो के पास पहुँच गए। पवन भाई को बहुत मज़ा आ रहा है आज। चीटिंग 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 करता है तू। वगैरह होने वाला
की ओर है। खत्म। तो अभी हम लोग हैं सनी भाई के घर पे और सनी भाई हमारी सेवा कर रहे हैं क्योंकि ये लेट उठे थे ना, इस वजह से भाई हमारी सेवा कर रहे हैं। देखो पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न ला के रखे, लगता है इधर कोई मूवी लगाने वाले हैं अभी क्योंकि इनका इनके घर में होम थिएटर इन लोग ने बड़ा सा लगाया ना, थिएटर जैसा टीवी लगाया, तो कोई लगता है मूवी लगाने वाले, इस वजह से पॉपकॉर्न वगैरह ला के दिए भाई, चाय वाय पिला रहे, बिस्किट विस्किट भी दे, इतनी सेवा कर रहे हैं। सेवा मिल रही है कि नहीं बताइए आपको, सनी भाई से सेवा मिल रही है कि नहीं? मिलता है, मिलता है, मिलता है, मिलता है भाई। रश्मिता के पप्पा ही सनी के दोस्त है क्योंकि जब सनी भाई घर पे आते हैं रश्मिता के पप्पा ही उनको अच्छे से ट्रीट करते हैं। मेरा तो दोस्त है भाई है, मैं तो कैसा भी ट्रीट कर सकता हूँ। तो चलो अभी चाय वाय पीते हैं और फिर मिलते हैं आपको। तो अभी सब पूजा की तैयारी हो रही है तो हम लोग ने सोचे कि सनी भाई के इधर बैठते हैं, सेवा ले लेते हैं, सनी भाई से सेवा ले लेते हैं। पर सनी भाई आज कुछ कॉमेडी वगैरह नहीं कर रहे, आज कॉमेडी नहीं कर रहे क्योंकि आज घर पे ही है ना, तो घर पे एकदम शांत बनाए गाय और बाहर निकलते बैल बन जाते हैं। पवन भाई मोदक खाने में कैसा लग रहा है? मेरा फेवरेट है भाई मोदक और मुझे खाने फाइनली मिल गया। तो गाइस आप लोग को बहुत मजा आया होगा और मुझे तो, आप लोग का तो पता नहीं, मुझे तो बहुत मजा आया। और घर के लिए हम लोग ने लिया है मोदक, लिया भाभी जी के लिए लिया है हमने मोदक बहुत सारा खाए खाए। और फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ है कि मैं ना कब से सोच रहा था कि क्या होता है कि फर्स्ट डे ना मोदक वगैरह मिलता नहीं खाने के लिए, तो मैं सोचा कि मुझे मिलेगा कि नहीं, और इस बार इतना मिला कि बस बस हो गया, तभी भी खाया जा रहा हूँ। तो आप लोग ने देखा कि चौल का गणपति कैसे होता है, कैसे सब सेलिब्रेट करते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं सोसाइटी का सेलिब्रेट कैसे होता है। हाँ, मतलब हमारे सोसाइटी में भी गणपति बैठी है तो हम लोग वहाँ पे भी शाम के टाइम पे दर्शन करेंगे। और एक जगह हमको और दर्शन करने जाना है तो आज का पूरा दिन तो ऐसे ही बिजी, अगर अमित निकल गया तो वो कहीं और का दर्शन आपको दिखाएगा और हम लोग, मेरे ब्लॉग में आपको कहीं और का देखने को मिलेगा अगर ये गया, तो नहीं गया तो हमारे साथ ही ब्लॉग बनाएगा। नहीं अभी मैं जा रहा हूँ और जाना है ना। सोसाइटी का दिखाएंगे, फिर उसके बाद जो पर्सनल घर में बैठाते हैं वो भी दिखाएंगे, मतलब सब चीज आपको दिखाएंगे। तो वीडियो में बने रहना और बहुत मजा आने वाला है। यस, और अपने सनी भाई है, सनी भाई के लिए एक लाइक तो कर दो जो जानता है सनी भाई के लिए। गाइज ये हमारे सोसाइटी की गणपति यहाँ पे बैठे गार्डन एरिया में, तो अभी हम लोग जा रहे हैं और हम लोग को एक जगह और जाना है, वो पवन भाई के फ्रेंड के घर पे, तो उधर भी जाएंगे, पहले सोसाइटी की गणपति देख लेते हैं। फाइनली अभी हम लोग यहाँ से दर्शन करके निकल रहे हैं। ये देखो सब पीछे बैठे हुए, अमित भाई, आमे भाई, मोगली भाई। ये मोगली भाई ने तो सरप्राइज ही दे दिया था भाई आज सुबह सुबह। अरे भाई सरप्राइज देना बनता है यार, फ्रेंड्स लोग में सरप्राइज नहीं देंगे तो किसको देंगे, क्या बात है। और देखो सनी ब्रो, अमित भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? अमित भाई आज पहली दिन ऐसा होगा जो इतना सुबह उठे, इसलिए उनकी पूरी आंखों में नींद नींद नजर आ रही है। मैं भी सेम ही उठाऊ, मैं भी उतना ही टाइम में उठाऊ, बट ठीक है अभी फटाफट घर पहुंचते और फिर उसके बाद दिखाते क्या है। इसको घर जाना है बट आज नहीं तो कल इसको घर छोड़ेंगे, जो जैसा रहता है वो तो ये अपने व्लॉग में बता ही देगा, बाकी घर चलते चलो। तो गाइस मुझे नींद आ रहा था तो हम लोग ने डिसाइड किया कि थोड़ा चाय पीते, मूड फ्रेश होएगा, थोड़ा नींद उड़ेगा। और मुझे एक्चुअली घर भी जाना है और भी कल एक जगह जाना है गणपति के लिए, आज ही जाना था पर नहीं जा पाया, लेट हो गए काफ़ी, और मेरी बैटरी वगैरह भी चार्ज करना है। घर पे जाऊंगा जल्दी से सोऊंगा, फिर सुबह बैटरी चार्ज वगैरह लगा के फिर जाऊंगा। अभी जाते हैं चाय पीने। तो गाइस हमारा चाय वगैरह पी के हो गया है, फिर हम लोग लग गया घर से, शायद मेरे फ़ोन आ रहा है बार बार और नींद अभी भी नहीं उड़ा। मैंने दो कप चाय पिया तभी भी नींद नहीं उड़ा। तो
चलो चलते हैं। तो अभी ये भाई लोग निकल रहे हैं घर के लिए और ये ढकाई खा रहा है तो सब लोग थके हुए क्योंकि हम लोग कितने सुबह से ही उठे हैं ना, सुबह से ही फिर पूरा घूम रहे हैं। तो फिलहाल अमित तो मेरे साथ ऊपर जाएगा, ये भी शायद मेरे को लग रहा है बोल तो रहा है कि आज रात को निकलूंगा, तो जो जैसा रहता है इसको बाद में विदा करते, पहले इन दोनों को विदा कर देते। ठीक है चलो बाय, मिलते हैं जल्दी। तो मैं ये वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया, तो आपको क्या करना है लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। जिसने भी अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो मैंने अपनी इधर आईडी मेंशन कर रहा हूँ, तो जल्दी से जाओ गाइस सपोर्ट करो, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। एक्चुअली आईडी ग्लिच हो चुकी है, तो मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। लव यू ऑल, बाय।